यह दृश्य जो आप देख रहे हैं यह बेढ़ना पश्चिमी पंचायत के पश्चिमी खंदा का है जो पानी से पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो बाढ़ के टाल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। पहली बार बाढ़ प्रखंड का बेढ़ना टाल में पानी भरने से किसानों को जल जमाव से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरे रहने के कारण किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, साथ ही नई फसल लगाने से किसान मरहूम है। बेढ़ना निवासी जयप्रकाश ने बताया कि फोरलेन सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई है और बेढ़ना टाल पानी से भर गया है। किसानों ने कहा कि अनुमंडल अधिकारी को आवेदन देकर जल्द निदान की बात कही जाएगी, नहीं तो किसान सड़क पर उतरेंगे। जब करो मरो की स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे सारे गांव के किसान निकल चलेंगे, और निकल चलेंगे तो फोर लेन के लोग जो मिट्टी भराई का काज किए हैं, जहां से जल निकासी करके टाल में हम गिरा सकते हैं जल को, वहां काटेंगे। इसलिए कि बाल बच्चे लोगों का भूखे जब मरेंगे तो कुछ भी करने को तैयार आमादा हो जाए। प्रशासन से गुहार लगाए आप लोग? नहीं, हम लोग सोचा है कि अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन दे। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी थोड़ा इस मुद्दे पर ज्यादा सेंसेटिव होते हैं। मैं उनको सूचना देने के बाद ही कोई अगला कदम उठाऊंगा, ताकि कल प्रशासन के लोग ये न कहें कि हमें क्यों नहीं सूचना दी गई, आप लोग एकाएक ये डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं होगा, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को आज कल में आवेदन देंगे। तो पानी जमा हुआ है, फोरलेन निर्माण हो रहा है? देखिए, फोरलेन निर्माण हो रहा है, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये सुखद बात है, फोरलेन का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो फोरलेन के वरीय पदाधिकारी है, इंजीनियर को चाहिए था कि ये किसानों के प्रति संवेदनशील होना। ये जो लगभग 400 एकड़ भूमि है, आज फोरलेन में सही जगह पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण ये पूरा जलमग्न है, और इसमें खेती नहीं हो पाएगा। लोग बेढ़ना के जितने किसान हैं, ये धान का कटोरा बेढ़ना का माना जाता है। ये जो भूमि आज जलमग्न है, इसके पूर्व कभी नहीं डूबा था, लेकिन जब से फोरलेन में मिट्टी भराई का कार्य हुआ है तब से ये बिल्कुल, ये प्रथम साल है जो जलमग्न है, और एक बूंद भी पानी कहीं से निकलने का रास्ता नहीं बचा है। मतलब इसमें खेती संभव नहीं है? बिल्कुल संभव नहीं है, वो तो आप लोग स्वयं देख भी रहे हैं। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को, आप जी मीडिया हो या जो भी हमारे सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से मैं चाहता हूं कि फोर लेन के पदाधिकारी आएं और हमारे अनुमंडल के अंचल के पदाधिकारी आके आवे और खुद सर्वे करके इसका निराकरण करें, अन्यथा आक्रोशित किसान किसी भी दिन सड़क पर उतरेगा और हाथ पर चलाएगा। मेरा नाम जयप्रकाश हुआ।